इस इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता सीधा सीधा बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ गैसेस को डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज कर लेते हैं सिमिलरली कोई एक्सप्रेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता जो वेस्ट होता है वो सिंपली सेल्स से डिफ्यूज आउट होकर पानी में चले जाता है सैक्यटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इनके अंदर की जो कैविटी होती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है वो ही सब्सटेंसेस को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है

जब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये अटैच होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कहलाते हैं जोइड्स जोइड्स एक कॉलोनी के वर्किंग यूनिट्स कहलाते हैं यानी ये जो जोइड्स होते हैं जो एक जोइड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अटैच हुए हैं इस जोइड का कुछ ना कुछ काम होता है जैसे तो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जोइड्स आर इंटरडिपेंडेंट यानी कि अगर एक कॉलोनी है और उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल जोइड्स मौजूद हैं तो हर जोइड पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए कुछ काम कर रहा होगा और हर जोइड एक दूसरे जोइड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा यानी कि इनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर ले, लेबर पाई जाती है आ, मेरा मतलब क्या है कि जोइड्स हर हर जोइड कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा इससे मेरा ये मतलब है कि एक कॉलोनी के अंदर डिफरेंट तरह के जोइड्स होते हैं और हर जोइड का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है मिसाल के तौर पे कुछ जोइड्स होते हैं जो कहलाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉसिबल होता है कुछ जोइड्स गैस्ट्रोजोइड्स कहलाते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ जो कि जो जोइेक्टाइलोइ जो जो कहलाते हैं वो मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तो जो जोइड्स होते हैं ये एक एक स्ट्रक्चर के साथ यानी कि एक बेस के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं और वो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेस स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है नोमैटोफोर या फ्लोट इस नोमैटोफोर या फ्लोट का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो थोड़ा उसके अंदर थोड़ी बल्जिंग हुई हुई होती है और वो टॉप वाला पार्ट हमारे पास कहलाता है क्रेस्ट या सॉल ये जो एक जैसी ऑर्गेनिजम्स की एक कॉलोनी के अंदर डिफरेंट तरह के जोइड्स में अपेयर होना है यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक, एक स्पीशीज है वो डेक्टाइलोज के अंदर अगर है तो वो लोकोमोशन का काम कर रहा है और अगर वही स्पीशीज गैस्ट्रोजोइड में है तो वो न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है दूसरी स्पीशीज गोनोज में रिप्रोडक्शन का, का काम करिए तो डेक्टाइलोजॉइड में लोकोमोशन का, का काम करेगी तो एक स्पीशीज का दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के जोइड्स के अंदर मौजूद होना और उस जोइड के हिसाब से अलग तरीके का काम करना जबकि स्पीशीज का सेम होना ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म अच्छा इस तरह की मतलब ये जो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है इसकी एक एग्जाम्पल है फाइसेलिया जिसका आ, दूसरा नाम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसी के लिए काफी दफा ये आ, पेपर में पूछा जा चुका है अच्छा अब हमारे पास आती है क्लासेस फाइलम नडेरिया की डिफरेंट क्लासेस तो हमारे पास फाइलम नडेरिया की टोटल तीन क्लासेस होती है एक कहलाती है हाइड्रोजोवा दूसरी कहलाती है साइफोजोआ तीसरी कहलाती है एंथोजुआ इनके साथ साथ इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है जैसे हाइड्रोजो के ऑर्गेनिज्म फाइसेलिया साइफोजोआ के ऑर्गेजम होते हैं ओरेलिया या जेली फिश एंथोजुआ की एक एग्जाम्पल होती है सी एनोन अच्छा अब हम कुछ एनसीक्यूज के लिए डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते जो हमने पहले मिस कर दिए थे सबसे पहले तो ये कि जैसे हमने पढ़ा था अगर आपको पिछली वीडियो याद हो जिसमें हमने फाइलम नोडीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है यानी कि इनकी बॉडी में दो टिश्यू लेयर्स होती हैं एक बाहर वाली एक्टोडर्म और एक अंदर वाली एंडोडर्म इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जो कहलाता है मीजोकलिया याद रखिएगा जब हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था तो वहां जेल लाइक -like सब्सटेंस कहलाता था मीजन काइम जबकि यहाँ ही वो जेल लाइक -like सब्सटेंस कहलाता है मीजोकलिया अब जब एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड हार्ट सी कवरिंग बन जाती है तो ये ऑर्गेनिज्म ये जो नया स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है कोर्ल्स। कोर्ल्स क्या करते हैं हैल्स समंदर में एक जगह अक्यूमुलेट होते हैं और बड़ी बड़ी बेल्स बनाते हैं और वो बेल्स हमारे पास कहलाते हैं कोरल रीफ्स इस तरह के कोरल रीफ का नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती है और हंड्रेड से भी ज्यादा माइल्स उस पर स्प्रेड हुई भी होती है कोरल्स या कोरल रीफ का बेसिकली काम क्या होता है तो इन कोरल्स या कोरल रीफ से हमें ज्वेलरी मिलती है हमें डिफरेंट ऑर्नामेंटल्स मिलते हैं uh, कुछ स्पेसिफिक रेड कोरल होते हैं जो कहलाते हैं मरजान वो ईस्टर्न मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं तो यहाँ पे हमारी फाइलम निडेरिया से रिलेटेड डिस्कशन एंड होती है बाईस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सोल्व कर यहाँ से पूछा गया है पोर्टुगीज मैरवॉर एस डी तो हमें आप भी पढ़ा कि पोर्टुगीज मेरो वॉर फाइसिलिया है जो कि एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है और वो कौन से फाइलम का पार्ट है वो है फाइलम सील का पार्ट और ये इसका सही जवाब है थैंक यू